हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं बेटा 15 ग्रुप एलिमेंट्स में फास्फोरस की। फास्फोरस देखिएगा, यहाँ पर आपके फास्फोरस है। फास्फोरस को जब देखा जाता है तो इसका सिंबल पी होता है और एटॉमिक नंबर 15 होता है। क्या होता है? सिंबल हो गया आपके पी और एटॉमिक नंबर होता है 15। ओके, फास्फोरस में देखिएगा बेटा, एलोट्रोपिक फॉर्म देखते हैं इनके। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस फर्स्ट है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को आप कह सकते हैं बेटा कॉमन वैरायटी ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की ये कॉमन वैरायटी होती है, कंसिस्ट ऑफ P4 और इसका जो फॉर्मूला होता है वो P4 होता है। फोर फास्फोरस एटम्स लाई एट द कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। क्या होता है ये? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपके ईच फास्फोरस बॉन्डेड टू ईच ऑफ द थ्री फास्फोरस एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पर देखिएगा कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवलेंट बॉन्ड फास्फोरस फास्फोरस के बीच में प्रिपेयर होता है और एक फास्फोरस जो है वो तीन फास्फोरस एटम से जुड़ा होता है। देखिएगा यहां पर वन फास्फोरस एटम है, वन, ये वन टू एंड थ्री, थ्री फास्फोरस एटम से ये अटैच होगा। क्लियर? इट इज पॉइजनस। और ये क्या होता है बेटा? पॉइजनस नेचर का होता है। व्हाइट फास्फोरस इज ए ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। और इसका जो प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्या होता है बेटा? ट्रांसल्यूसेंट और व्हाइट वैक्स सॉलिड होगा। क्या होगा? व्हाइट वैक्स सॉलिड। क्लियर? इट इज पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वॉटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड CS2 में क्या रहता है? ये सॉल्युबल होता है। एंड ग्लोज इन डार्क केमिल्यूमिनेंस इसमें प्रेजेंट होता है, जिसे आप ग्लोज इन डार्क कहते हैं। इट इज डिजॉल्व इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमोस्फियर गिविंग फॉस्फीन। क्या बना लेता है ये? फॉस्फीन का फॉर्मेशन कर लेता है। यहां पर रिएक्शन देखिएगा इसका, P4NaOH H2O, तो फॉस्फीन बनाएगा और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या बना लेता है बेटा? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। एंड इट इज लेस स्टेबल। और ये क्या होता है बेटा? लेस स्टेबल होगा। इट रेडियली कैचेज फायर इन एयर टू गिव डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ P4O10। एयर के साथ ये रिएक्ट करता है और P4O10 का फॉर्मेशन कर लेता है। रिएक्शन देखिएगा, P4+5O2 फॉरवर्ड रिएक्शन P4O10। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रेट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय वंडरवॉल्स फोर्सेस। और इनमें क्या आ जाता है बेटा? P4 मॉलिक्यूल जो है वो टेट्राहेड्रल जो फॉर्म होती है उसको ब्रेक डाउन करता है और इसमें वंडरवॉल फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है ना, लार्ज मॉलिक्यूल जब बन जाता है तो वहां पर वंडरवॉल फोर्सेस क्रिएट होते हैं। रेड फास्फोरस सेकेंड है आपके यहां पर, रेड फास्फोरस। इट इज पॉलीमेरिक, ये पॉलीमर होता है या पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये देखिएगा इस टाइप से, P4 मॉलिक्यूल जो है, P4 जो मॉलिक्यूल है उसमें ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाता है और अदर मॉलिक्यूल के साथ ये पॉलीमराइजेशन कर एक पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
इट इज नॉन पॉइजनस. और जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो पॉइजनस होता है, बट रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस नेचर का होता है. क्लियर. इट इज ऑब्टेंड बाय हिटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 573, ये 573 केल्विन, 573 केल्विन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज. ठीक है, तो इनको व्हाइट फॉस्फोरस से, व्हाइट फॉस्फोरस से हाई टेम्परेचर 573 केल्विन पर हीट कर रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट किया जाता है. व्हाइट फॉस्फोरस से इनको प्रिपेयर कर रहे हैं आप. इट इज पॉसेस आयरन ग्रे लस्टर. इट इज ऑडरलेस, नॉन पॉइजनस एंड इनसॉल्युबल इन वॉटर एज वेल एज इन कार्बन डाई सल्फाइड. और कार्बन डाई सल्फाइड में भी ये क्या होगा, डिजोल्व होगा, बट इनसॉल्युबल होगा वॉटर में. क्लियर. केमिकली रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस. ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस के कंपेरेटिवली रेड फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी लेस होती है. इट इज पॉलीमेरिक consisting of chain of P4 tetrahedral linked together through covalent bonds. और ये polymeric form में होता है, तो एक molecule दूसरे molecule से covalent bond बनाकर attach रहता है, जिससे इसकी reactivity क्या होती है, decrease हो जाती है. Black phosphorus, इट इज थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है. और ये थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक फॉस्फोरस होता है. व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. इट हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर. और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड फॉर्म में होता है. जैसे यहां पर फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस 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 और फॉस्फोरस P4, P4, P4. तो ये कंप्लीटली क्या होता है बेटा, एक लेयर के फॉर्म में होता है. वन लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर. इट हैज मेनली टू फॉर्म, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक सल्फर. अल्फा और बीटा ब्लैक सल्फर इसके फॉर्म होते हैं. रेड फॉस्फोरस गिव्स अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस गिव्स बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. ठीक है, रेड फॉस्फोरस से आप कौन सा फॉस्फोरस बनाते बेटा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, और व्हाइट से बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस अल्फा और व्हाइट बीटा ब्लैक फॉस्फोरस का फॉर्मेशन करते हैं. इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजिली विथ एयर. और ये इजिली एयर के साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है. इट कैन बी सबलिम्ड इन एयर एंड हैज ओपेक्यू मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल. ये किस फॉर्म में होता है बेटा, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल फॉर्म में मिलेंगे. क्लियर, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल होते हैं. इट डज नॉट ऑक्साइड इन एयर. बीटा ब्लैक फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 473 केल्विन टेम्परेचर पर बीटा ब्लैक फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस से फॉर्म किया जाता है अंडर हाई प्रेशर. और प्रेशर क्या होता है, हाई होता है. एलोट्रोपी, यहां पर एलोट्रोपी को डिस्कस करते हैं बेटा. देखिएगा, आर्सेनिक की बात करते हैं तो एलोट्रोपिक फॉर्म आर ग्रे मेटेलिक, येलो, ब्लैक. तीन फॉर्म होती है. एंटीमनी एलोट्रोपिक फॉर्म आर मेटेलिक एंटीमनी, येलो और अल्फा एंटीमनी, एक्सप्लोजिव एंटीमनी. ठीक है, एक्सप्लोजिव एंटीमनी. आउट ऑफ द थ्री द स्टेबल फॉर्म आर येलो एंड मेटेलिक
एंटीमनी, येलो और मेटेलिक एंटीमनी ज्यादा स्टेबल होते हैं। बिस्मिथ रेडियो एक्टिव एंड इमिट्स अल्फा रेज, हाफ लाइफ 1.9 × 10^19 ईयर्स। हाफ लाइफ कितनी होती है बेटा इसकी, 1.9 × 10^19 ईयर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चंस। व्हाट हैपन व्हेन फास्फोरस इज हीटेड विद कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2? आंसर P4+3NaOH 3H2O, फॉरवर्ड रिएक्शन, सोडियम फॉस्फाइट और फॉस्फिन गैस रिलीज होती है। MCQs देखिएगा, फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन व्हाइट एंड ब्लैक फॉस्फोरस, रेड ब्लू ग्रे नन, तो रेड फॉस्फोरस। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज ऑब्टेंड फ्रॉम फॉस्फोरस, व्हाइट ब्लू रेड नन, तो रेड फॉस्फोरस से अल्फा फॉस्फोरस ब्लैक, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस का फॉर्मेशन होता है। इज द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, तो होता है व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और नन, तो हो जाएगा ब्लैक फॉस्फोरस, ज्यादा स्टेबल होता है। Does not show allotropy, nitrogen, phosphorus, arsenic, bismuth. तो bismuth, bismuth में कोई allotrop नहीं बनता। Alpha nitrogen has packing, simple cubic, hexagonal, both none, simple cubic. Antimony is less stable, metallic, explosive, yellow, none. तो explosive लेस स्टेबल होगा, तभी तो एक्सप्लोर पावर इसमें जनरेट होगा। हाफ लाइफ ऑफ बिस्मिथ इज इयर्स, 1.9 × 10^19, 1.9 × 10^22, 1.5 × 10^10, 1.9 × 10^9, तो जाएगा फर्स्ट 19। ओके, फॉस्फीन